हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 370 जो अभी चर्चा में, इसे ख़त्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, संविधान के भाग 21 के तहत 370 आर्टिकल में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अभी जो हाल में घटना हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव। ठीक है, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 371 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर जारी किया संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, आदेश 2019। ठीक है, जम्मू कश्मीर संविधान आदेश 1954 का अधिक्रमण करेगा, ये आदेश 2019 वाला। आपको यहाँ बता दें कि ये इसकी जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में दो देश बने भारत को विभाजित करके, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ भारत में 565 रियासतें थीं, जिनमें से 562 ने स्वेच्छा से भारत में शामिल हुए थे। तीन रियासतें बची हुई थीं जिनमें शामिल था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को सेना द्वारा एक भारत में मिला लिया गया था और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करके एक बचा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरीश सिंह और ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। ठीक, तो क्या हुआ कि 1947 में ही पाकिस्तानी सेना ने इन पर हमला कर दिया। तो इन्होंने भारत की मदद लेने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। तो भारत सरकार ने एक समझौता किया, हस्ताक्षर के लिए विलय पत्र के बारे में बात की। तो ऐसे शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था। वो जो विलय पत्र हुआ था पर हस्ताक्षर हुए थे, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत केंद्रीय कानून का विस्तार, राज्य से परामर्श की जरूरत होगी, केंद्र का विस्तार, केंद्रीय कानूनों का विस्तार करने के लिए राज्य से परामर्श की जरूरत होगी। आपको बता दें यहाँ कि 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में 370 शामिल किया गया। और आपको बता दें यहाँ कि अस्थाई प्रावधान है 370 था। इसके तहत जम्मू कश्मीर अपना संविधान था जम्मू कश्मीर का। भारत के संविधान का भाग 6 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आपको बता दें भारत का संविधान भाग 6 राज्यों से संबंधित है। अब यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास थीं, सभी प्रावधान अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित, केवल इनको छोड़कर वित्त, रक्षा, संचार, विदेशी मामले भारत सरकार के पास थे। यहाँ बता दें इसके 370 के तहत कुछ इसे स्वतंत्रताएं मिली हुई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मूल कर्तव्य जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। मूल अधिकार सत्तों के साथ लागू होते थे जम्मू कश्मीर में। संपत्ति का मूल अधिकार लागू होता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन पूरे भारत से इसे 78वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था मूल संविधान में। अब 6 बजे हुए, यहाँ बता दें वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता जम्मू कश्मीर में। आंतरिक असंतुलन की स्थिति में घोषित आपातकाल राज्य की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, यहाँ जमीन कोई नहीं खरीद सकता, इसी तरह के अन्य भी प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर में 370 के तहत मिले हुए थे इसे। ठीक, अब हम लोग राष्ट्रपति का आदेश देख लेते हैं जो 5 अगस्त 2019 को जारी किया गया। आर्टिकल 370 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिया राष्ट्रपति ने कि तुरंत प्रवृत्त होगा यह आदेश। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होने होंगे समय पर संशोधित संविधान के सभी उपबंध, मतलब कि अब जो संविधान संशोधन होंगे भारत में सरकार में, वह सभी जम्मू कश्मीर पर, सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। अब यहाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जो अनुच्छेद 367 में जोड़े जाएंगे कुछ उपबंध। 370 में उल्लिखित राज्य के संविधान सभा को राज्य की विधानसभा बोला पड़ा जाएगा।
और यहाँ की विधानसभा का भी कार्यकाल जो संविधान सभा का होता था 6 वर्ष, लेकिन अब यहाँ 5 वर्ष होगा हर राज्य की तरह। ये दिल्ली की और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी इसमें। जम्मू कश्मीर राज्य को दिए गए निर्देशों को राज्य के राज्यपाल, जो कि अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, को दिए गए निर्देश माना जाएगा। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह होगा और लद्दाख बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह। चलिए दोस्तों, ये है 370 जो अब हटा दी गई है।